क्या कहेंगे सबसे पहले तो इनके बारे में? पहले तो राज की है हमारी, अभी अभी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, कुछ चिंताएं हमारे सहयोगी में उन्होंने सुना है, कोई ठोस ये तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा इससे हमारी चिंताएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमारे राज्य के लोगों में एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है कि राज्य सरकार ही इनको नहीं लाना चाहती, ऐसी बात चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है ऐसे स्थिति पर लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हमारे कुछ राजनीतिक सहयोगी भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकार को सीधे तौर पर ले आना चाहिए। आप ही अंदाज़ बताइए राजस्थान कहाँ पर है? आज उस राज्य से यहाँ तक बच्चों को लाने में कितने राज्यों से गुजर के आना पड़ेगा? चार राज्य, और वो बच्चे कहीं रास्ते में संक्रमित हो गए, चार दिन पांच दिन का सफर होगा, क्या यह संभव है? और मुझे जो जानकारी मिली है, शायद मैं मेरी जानकारी गलत हो, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा, यूपी ने जो कोटा से बच्चों को लाया है उसमें से एक बच्ची संक्रमित निकली है पॉजिटिव। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भयावह होगी और कितनी पैनिक हो जाएगी। इस वजह से आज मेरा ये मानना है, आज की इस आपत की घड़ी में सबको एक साथ चलने की आवश्यकता है, राजनीति करने का समय आएगा, जिंदा रहेंगे तब राजनीति करेंगे। उनको एक संदेश छात्रों को जो वेट कर रहे हैं सरकार के निर्णय का, उनको क्या बोलना चाहिए? मैं उनसे आग्रह यही करूंगा कि आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, अगर आपको वहां किसी तरीके की असुविधा है तो कृपया आप हमें ज़रूर अवगत कराएं, लेकिन अगर आप सुरक्षित हैं तो मेरा आग्रह होगा कि आप वहीं सुरक्षित रहें। पता नहीं आप अपने घर आएंगे या झारखंड आएंगे इसी दौरान, या झारखंड में कहीं पर भी आप संक्रमित हो जाएं, तो जो अभी आप जिस खुशी जिस ये के साथ रह रहे हैं और उसमें आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज ये संक्रमण किस दरवाजे पर आके खड़ा है कोई नहीं बता सकता। सर ये आखिरी क्वेश्चन ये है कि निजी अस्पताल जो है रिफ्यूज़ कर रहे हैं।